एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक सकीट में स्थित जेतपुरा दासपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 16 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 30 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने रक्षपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2800 की आबादी एवं 1400 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 340 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 220 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंप रिपोर्ट कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 1 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, चक रोड व तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, पंचायत घर, खेल का मैदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम जेतपुरा पोस्ट जलाल साधन ब्लॉक सखी थाना मलावन जिला एटा। हमारी छोटी पंचायत है, छोटी पंचायत है, गरीब लोग जाना है। जो सरकार से 14 वित्त राज्य वित्त भी इतना पैसा आता नहीं है, जो के लिए ज्यादा इच्छा होती है नहीं करा पाते। सबसे बड़ी बात तो है पंचायत में प्रथम जेतपुरा में हमने 2 सीसी मार्ग बनवाए। इसके बाद जेतपुरा गांव में 1 सीसी मार्ग बना। उसके बाद दासपुर राजस्व गांव में 120 मीटर का खरंजा बनवाया गया। कुछ दोनों स्कूलों में एक हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, जूनियर स्कूल है, उसमें बच्चों के लिए लेटर बनवाई, उनकी रिपेयरिंग की गई और मनरेगा से कार्य हुए। 3 तालाब अच्छी तरह विद्युत पानी की सुचारू रूप से रखने के लिए बनवाए गए। आज भी 1 तालाब पर ब्रिज लगवाए गए सरकार द्वारा, वो जीए थे लगभग 100 पेड़। मैं चाहता हूँ कि वो तालाब अच्छी तरह सौंदर्यता के रूप में पक्का निर्माण हो। गांव में स्वास्थ्य सेवा के लिए छोटा सा कोई